हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारे चैनल पे एक और डिमांड आई थी, क्वेश्चन नंबर 53C से, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एसी शर्मा बुक से। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें हमें दो चीज सिर्फ प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, दूसरा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका जो है ना बहुत छोटा है, बाकी लास्ट जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें जो मेन एडजस्टमेंट है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं ना हमारे एग्जाम में पक्का आना ही है। एक एडजस्टमेंट ऐसा देगा जिसमें आपको घुमाएगा, पक्का फंसाएगा इसमें है ही। बट मैंने आप सभी को काफी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं कि आप फंसोगे नहीं। इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन अपलोड किया था 49A वाला, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि काफी मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस थे। मैं हाई लेवल क्वेश्चंस ही कराता हूं कि आपको बाकी बाद में जितने अदर क्वेश्चंस होंगे ना, अगर नहीं आएगा कोशिश करना तो मैं बताऊंगा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले करा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 53C। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका हमारे पास दिया हुआ है, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, तो मशीनरी की वैल्यू घट रही है, टू साइड लिख देंगे वैल्यू इसकी, टू मशीनरी 3000 आ जाएगा, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दी हुई थी 30,000। ठीक है, 10% इसका निकाल लिए। उसके बाद क्या दिया रहा है यहाँ पे, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाई, सॉरी इसके पहले हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज टू 1500। यहाँ पे देखिए इंक्रीज टू लिखा है, इसका मतलब हमें आप कंपेयर करना है, बैलेंस शीट में जितनी वैल्यू दी होगी उससे कंपेयर करते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हमारे पास है प्रोविजन की वैल्यू 1000, इसका मतलब कि देखिए अब हमें कंपेयर करना है कि पहले कितना था और अब कितना है, 1500 है तो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 500 का, सिर्फ 500 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे जब, तो यहाँ पे कितना आएगा, 500। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा था हमें इसके बाद, कि फर्नीचर इज टेकन ओवर बाई जेड फॉर 14,000। फर्नीचर ले लिया गया, कौन ले रहा है, जेड। ठीक है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ देखिए कि कितने अमाउंट्स ले रहा है, कितना घट बढ़ रहा है हमारे एसेट में, वो वाली एंट्री यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो बैलेंस शीट में जो दिया होता है उस वैल्यू के हिसाब से चलेंगे फर्नीचर का, तो यहाँ पे 2000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतनी वैल्यू आगे सोने आ गया। उसके बाद हमारे जो पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ था ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ था, कहने का मतलब कि इनका पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो थोड़ा डिफरेंट था। इनका रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है, 1:2, इनका दिया हुआ था 1:6, इनका दिया 1:3, मतलब कि इनका जो है इम्बैलेंस रेशियो में दिया हुआ था, बैलेंस नहीं था। अब बैलेंस अगर आप करेंगे तो इन तीनों का सम नीचे जो है वो 6 के इक्वल कर दीजिए, मतलब कि ये भी इसके भी डिनोमिनेटर में 6 आ जाए, इसके में भी 6 आ जाए, तो कैसे आएगा, इंटू कर लीजिएगा 3:1:2। अगर आप निकालेंगे, अगर आपको आता है, मैंने पहले भी बताया, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ना तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम अपने रेशियो को निकालते हैं। ठीक है, फिर अपना काम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लॉस आ रहा था, है ना, 3500 इस साइड, और यहाँ पे भी आप सम देखेंगे तो 3500 आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, 1500 का। इस 1500 को, इस लॉस को हमारे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आप बांट देंगे, तो कैसे बांटता है आप सभी जानते हो, जिसका रेशियो सबसे छोटा पहले उसका निकाल लेते हैं, 1:6 है, 6 से हम डिवाइड कर लेंगे, है ना, 6 से डिवाइड करेंगे कितना जगह, 250, हमें पता चल गया वाई का शेयर कितना है, 250। अब 250 में 2 से इंटू कर ले तो जेड का शेयर आ गया 500, और 3 से इंटू कर ले तो 750। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका रेशियो निकाल लिया कि किस रेशियो में हमने बांट लिया था 1500 को एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स के बीच में। तो चलो यार, जल्दी से अपना हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करते हो आपको पता है ना, बाय बैलेंस वीडियो लिखते हैं। इस वीडियो को याद है लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। देखो क्या करते हैं, बाय बैलेंस वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कैपिटल लिख लीजिएगा कितना है, 30,000 एक्स का है, 30,000 वाई का भी है, देन लास्ट वाले कितना है, 28,000। ठीक है, बैलेंस शीट में मुझे जनरल रिजर्व भी देखने को मिल गया, तो जनरल रिजर्व भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप अपने रेशियो में ही बांटेंगे, 3:1:2। ठीक है, अलग उसी में कुछ नहीं होगा, ओल्ड रेशियो से चलते हो, ओल्ड रेशियो में चलोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा डायरेक्ट आपको बांटने में, कितना दिया हुआ था हमारा 12,000 को आप बांटेंगे ना तो कितना रेशियो आ जाएगा, 6,000, 2,000 एंड 4,000। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे निकाला, बस रेशियो के हिसाब से वाई का निकाल लो, इंटू 3 इंटू 2 कर लो, आसान है, बहुत इजी है। और मैं आप सभी को यही हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, कैलकुलेटर का यूज मत करो, कैलकुलेटर का आपको यूज कोई कहीं नहीं पड़ेगा। जैसे देखो आप एग्जाम देने बैठोगे, क्या आपको टीचर्स का आपको देंगे क्या कैलकुलेटर देंगे क्या, लो बच्चा लो आपको कैलकुलेटर से करना, कैलकुलेट कर लो आएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई गलती मत करो कि आपको आगे जाके उसका मतलब इंजाम भुगतना पड़े। ठीक है, ऐसा काम ही मत करो, खुद कोशिश करो, भले टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, मुझे भी
टाइम लगता था, मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपको बताऊं अगर, तो मैं भी करता था कैलकुलेशन जब मैं 11 12th में अपना अकाउंट सब शुरू किया था ना, तो मुझे भी टफ लगता था, बट धीरे धीरे करते 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 मैं कभी कैलकुलेटर जल्दी यूज नहीं करता था, ठीक है, कि मुझे जब काम पड़े, जब बड़े बड़े कैलकुलेशन जब अपने घर में अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं खुद से ना, तब कई बार कर लेता था, एक दो बार कर लिया, बट मेन जब करता था ना तो खुद ही कोशिश करता था कि अपने से करना है, अपने से करना है, ठीक है, मेन वही पे फोकस करो। यहाँ पे कैलकुलेटर जितना यूज करोगे उतना ही मतलब आदत लगती है उसकी, जिस चीज की आदत लगती जाएगी उसके बाद आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, तो कैलकुलेटर मत ही यूज करो। उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या दिया हुआ था, हमारा लॉस आया था क्या ना, रिवॉल्यूशन गन में जो लॉस आया था उसको ले जाते हैं, ठीक है, तो टू लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट तो कितना आया था 750, 500 and 5, और कितना आया था, 250 था ना, हाँ 3:1:2 था, तो इधर कितना आया 250 एंड हियर 500, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अपना हमारे पास एक और चीज बच रहा है गुडविल का, ठीक है, तो यहाँ पे आप बाई गुडविल ले जाइएगा, सॉरी ये तो एडमिशन का केस हो गया ना, बाई कौन रिटायर हो रहा है उस पार्टनर को देख के, बाई देखिए अब यहाँ पे एक्स और वाई के लेके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कैपिटल और बाई वाई कैपिटल, जो मैंने कर रहा था वो ना आपका एडमिशन का केस का हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, जेड के कॉलम में लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे इनका गुडविल कितना दिया हुआ था हमारे पास, कितना है हमारे पास गुडविल का पैसा 21,000, अब देखेंगे जेड का शेयर कितना था हमारा 3:2:1, मतलब देखिए सॉरी 3:1:2, ठीक है, तो 2/6 अगर आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले तो 1/3, ठीक है, 21,000 का 1/3 से अगर इंटू कर लीजिए कितना आ रहा है, हमारा वैल्यू कितना आ रहा था वो चेक कर लेंगे, ठीक है। अब जो हम पहले आपको बताए थे कि जो पार्टनर जा रहा है उसके कॉलम में लिखते हैं इस साइड, देखिए जिसका नाम लिखे उसके कॉलम में नहीं लिखते हैं, है ना, तो यहां पे लिखेंगे तो हमारे पास कितना शेयर आया 7000 का ना, 21000 को अगर 3 से डिवाइड कर लोगे कितना आएगा 7000, अब उस 7000 को आप जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके शेयर में आपको बांटना पड़ेगा, मतलब कि 7000 है, 7000 को उनके रेशियो में अगर मैं बताऊं तो 3:1, अब 3:1 में आप बांटेंगे मतलब यहां पे उनका डिनोमिनेटर सम कितना आएगा 1/4, 3/4, पहले 4 से इंटू कर लीजिए, तो पहले सबसे पहले y कर लेते हैं क्योंकि 1 है इनका, तो यहां पे कितना जाएगा 1750, कैलकुलेट करो खाली अपने माइंड में, जितना अपना माइंड शार्प करने की कोशिश करो, कैलकुलेटर से कुछ नहीं होगा, ठीक है, माइंड जितना शार्प करोगे इनटू कर लोगे, अब यहां पे इनटू 3 कर ले तो हमारा आ जाएगा 5250 आएगा, है ना, चलो ये हो गया, अब इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं इस साइड पे, तो यहां पे ऐड कर लीजिए, और कुछ मुझे तो यहां पे दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने सारी चीजें अब कवर कर ली, कितना आएगा 36000, ठीक है, और इधर एक काम रह गया था इस साइड करने को, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे बाई जेड्स कैपिटल, जेड का कैपिटल लिख लेंगे, वही सेम चीज लिखना है 5250 ये वाला, और जिसके कॉलम का है वो उसी के कॉलम का उठाना खाली, एक्स और वाई उनके कॉलम में इधर लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना है सभी को, ठीक है, यहाँ डैश कर देंगे, अब फिर देखिए इधर कितना आ रहा है 32000, और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये दोनों को ऐड करने पर 7000 + 4000 11000, और यहाँ पे ऐड कर लिया तो 39000, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट कैलकुलेशन कर रहा है मैं यहाँ पे, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या होगा 36000, अब यहाँ पे 36000 और यहाँ पे 32000 ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे 39000 लिख लेंगे, उसके बाद बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का निकालेंगे बैलेंस सीडी, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल नीचे एडजस्ट करना है ना, इसलिए तीनों का निकालेंगे, डायरेक्ट इनका लोन अकाउंट है करंट अकाउंट अभी कुछ भी नहीं करेंगे, हम लास्ट वाला एडजस्टमेंट मैं पढ़ूंगा बताऊंगा, धीरे धीरे समझते रहो मैं बताता रहूंगा, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इनका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 38500, ओके, तो इधर कितना आ रहा है 2000 हो गया, मतलब इधर कैपिटल इनका आ गया 30000, और इधर इसको भी ऐड कर लिए तो 6000, मतलब कितना आ गया 30000, यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जब बैलेंस बीडी हमने निकाला था तब भी इनका कितना आ रहा था 30000, यहाँ पे निकाला है बैलेंस सीडी तो इधर भी आ रहा है 30000 एंड 30000, है ना, कमाल की बात है, कभी भी इसमें होती है बाई बैलेंस बीडी, इधर दोबारा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 30000, देन अगेन 30000, फिर कितना है यहाँ पे 38500, अब देखो मजा इधर आएगा हम सभी को करने में, इधर क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्या लिखोगे बच्चा लोग बैलेंस सीडी, ठीक है, बैलेंस बीडी मत लिख के, जरा बैलेंस बीडी लिखो गलत हो जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे 30000, अब हमारा लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा, द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव डिसाइड टू एडजस्ट द कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ जेड सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी इन द कैपिटल ऑफ अकाउंट विल एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट, इसका सीधा सीधा मतलब बताइए, अगर कोई भी सरप्लस या डेफिसिट होता है सारा चीज हम किसमें कवर करेंगे करंट अकाउंट में, ना कि अपना कैश में, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, बट यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर का ही कैपिटल हम यूज करेंगे, मतलब जो रिटायर हो रहा है उसका पार्टनर उसका कैपिटल हम यूज नहीं करने वाले, उनका सीधे हम करंट अकाउंट में कहेंगे, क्यों, इनका यहां पे पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे इनका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे इनका टोटल कैपिटल कितना होगा, 30-30, 60,000। 60,000 को हमें किस रेशियो में बांटना है, 3:1 में। किस रेशियो में बांटोगे, 3:1 में, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि 2 का तो हट गया, 3:1:2 था ना, 2 हट गया, तो कौन बचा, 3:1 में उनका कैपिटल एडजस्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 45,000 और 15,000, यहाँ डैश लगा दिया हमने। तो यहाँ पे करंट अकाउंट हमारा कितना आएगा देखने की जरूरत है, और इधर भी कितना आएगा इधर देख लेंगे। चलिए इधर लिख लेते हैं 45,000, और इधर कितना आएगा, 30,000। जितना इधर जिस साइड का ज्यादा होता है सब वही लिखेंगे, इधर 38,500, फिर इधर भी वही काम करेंगे, 30,000, 38,500, ठीक है। तो यहाँ पे भी करंट अकाउंट हमें यूज करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ आएगा, ठीक है। इधर देखिए किसका करंट अकाउंट आ रहा है, किसका ज्यादा है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, सॉरी इधर 45,000 है ना, 45,000, तो कितना आ रहा है इनके कॉलम में, 15,000 आ गया एक्स के कॉलम में, आप लिखेंगे, ठीक है। बाद में इसके बाद यहाँ डैश लगा देंगे, और इनके में भी डैश लगा देंगे, इनके में कोई जरूरत नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखिए इधर इधर डैश लगा दिया, फिर इधर आ गया 15,000 किसके कॉलम में, वाई के कॉलम में, और यहाँ पे 38,500 आ गया इसके कॉलम में। मतलब कि यहाँ पे हमें क्लियर क्लियर समझ में आ गया, एक बैलेंस शीट हमारा प्रिपेयर होगा। अगर आप मैच करना चाहते हो आंसर से मैच कर लेना, और यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक वीडियो पूरी कंप्लीट कर दी, बहुत एकदम थक गया मैं, तो आप सभी इतना मैं वीडियो बनाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कर दिया करो अपनी तरफ से, प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दिया करो प्लीज़।